नमस्कार, कुकिंग विद नीरू में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट नॉर्थ इंडियन स्पेशल लाल मिर्च का अचार, जो कि विंटर की एक स्पेशल रेसिपी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। लाल मिर्च का अचार बनाने के लिए मैंने लिए है आधा किलो बड़ी वाली लाल मिर्च। और इसके लिए हम मसाले इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सादा नमक, साथ में हमने भुना जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काला नमक, अमचूर पाउडर, पीली वाली राई को मैंने पीस कर रख लिया है, साथ में लाल राई को भी पीस कर रख लिया है, सौंफ पाउडर, हींग और सरसों का तेल। इन सभी का मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिर्च को साफ करेंगे, ऊपर से इसके हेड को साफ करेंगे इस तरह से, और इसमें बीच में स्लिट लगाएंगे जिससे कि हम इसमें मसाला भर सके। इस तरह से हम मिर्च को, सभी मिर्चों को काट कर रख लेंगे। अब हम इन मिर्चों को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख देंगे जिससे कि इनका एक्स्ट्रा मॉइस्चर सूख जाए। मिर्च को हमने 3 से 4 घंटे धूप में सुखा लिया है और अब मैं इनको अंदर ले आई हूँ। अब हम मसाले मिक्स करेंगे। सबसे पहले मैं लूंगी सौंफ पाउडर, उसके बाद मैंने मिलाया इसमें अमचूर पाउडर, 1 चम्मच काला नमक और स्वाद के अनुसार सफेद नमक, लगभग 2 चम्मच लिया है मैंने, और ये पीली सरसों या पीली राई, इसको पीस कर रखा हुआ है 1 चम्मच। 2 चम्मच हम लाल सरसों, लाल राई को पीस कर रखा हुआ है, इसको लेंगे। साथ में हल्दी पाउडर, भुना जीरा पाउडर, हींग, साथ में इसमें हम मिलाएंगे 2-3 चम्मच ऑयल, जिससे ही मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट है ये मसाला। अब हम इसको मिर्च में भरेंगे। इस तरह से मसाला लेंगे और हर एक मिर्च में भरते जाएंगे, और मैं इनको साथ ही साथ जार में भी रखती रहूंगी इस तरह से। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ तेल पोर कर देंगे इस तरह से, लगभग 2 बड़े चम्मच तेल है जो मैंने लिया है, और इसको हम शीरपाक विधि से सूरज की रोशनी में रखकर ही पकाएंगे। कुछ लोग इसको तेल को पकाकर डालते हैं, लेकिन हम कच्चा तेल ही यूज़ कर रहे हैं, और इसको सूरज की रोशनी में हम 3 से 4 दिन जार को रखेंगे बिल्कुल बंद करके, जिससे कि ये सूरज की रोशनी में अच्छे से पक जाए। अब मैं इस जार को बंद करके धूप में रखूंगी, 5 से 6 दिन बाद ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कुकिंग विद नीरू। थैंक्स।